आज हम दोस्त परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं दोस्त सॉल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर जिसको खुली आंखों से आप देख सकते हैं, वही हमारा होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। सॉल्यूशन को हम नेकेड आई से विजिबल कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो आज हम दोस्त परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ को दोस्त हम लोग प्रतिशत क्षमता बोलते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज है आपका, इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया दोस्त कि यह सॉल्यूशन के 100 भाग में उपस्थित सॉल्यूट का भाग कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो जिस तरह दोस्त जेंडर के बेसिस पर इंसान को 3 टाइप में बांटा गया है, एक है आपका मेल जेंडर, एक है आपका फीमेल जेंडर और एक है आपका थर्ड जेंडर। तो उसी तरह परसेंटेज स्ट्रेंथ को भी 3 टाइप में बांटा गया है, एक है आपका मास परसेंट, दूसरा है वॉल्यूम परसेंट और तीसरा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले हम दोस्त मास परसेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं दोस्त मास परसेंट का दूसरा नाम है हमारा वेट परसेंट। मास परसेंट का सिंबल है आपका वेट बाय वेट परसेंट। इसके एग्जांपल में आते हैं दोस्त, इसका एग्जांपल है आपका 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन मींस। तो 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन का मतलब हो गया दोस्त कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उपस्थित 10 ग्राम यूरिया को 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दोस्त जनरल फॉर्मूला में आते हैं। देखिए दोस्त मास परसेंट बराबर हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। मास परसेंट का मतलब देखिए दोस्त कुछ इस तरह से समझेंगे, ये मेरा कंटेनर है और इस कंटेनर में मानते हैं कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और इसमें क्या करें कि बाहर से 10 ग्राम यूरिया को डाल रहे हैं। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया का मास है, उसी को हम बोलते हैं दोस्त मास परसेंट। अब मान लीजिए दोस्त यहां पर 100 ग्राम नाप के अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन होता, उसमें 10 ग्राम यूरिया को बाहर से डालते, तो ये हो जाता हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया का मास है, उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मान लीजिए दोस्त 100 ml सॉल्यूशन है और यहां पर हम बाहर से 10 ml इथेनॉल डाल रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन में, तो इसको बोलेंगे हम दोस्त वॉल्यूम परसेंट। अब हम दोस्त वॉल्यूम परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम परसेंट को हम दोस्त वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं और इसका सिंबल हो गया आपका वी बाय वी परसेंट। अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दोस्त 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया दोस्त कि 15 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 15 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम परसेंट। अब दोस्त फॉर्मूला पे आते हैं। वॉल्यूम परसेंट बराबर होते दोस्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। जब हम लोग सॉल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं
और 100 से गुना करते हैं तब हम लोग को वॉल्यूम परसेंट प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा दोस्त, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसी का सिंबल है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं, एग्जांपल है हमारा दोस्त 12% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्त कि 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में 12 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे 12% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। अब हम लोग दोस्त फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला हमारा दोस्त वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट जो किसमें होना चाहिए ग्राम में बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा मिलीलीटर में होना चाहिए। तो जब सॉल्यूट के मास को डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और गुना 100 करते हैं तब हम लोग को मास बाय वॉल्यूम परसेंट प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त परसेंटेज स्ट्रेंथ फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।